मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटों में होने वाली है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के कई राज्यों में जो है आगामी 24 घंटों के दौरान जो है भारी बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग की ओर से। देश के ज्यादातर राज्यों में जो है वो चेतावनी यहाँ पर दी गई है। दरअसल मानसूनी बारिश का दौर उत्तर भारत के राज्यों में लगातार जारी है। आज से आगामी 24 घंटों के दौरान जो है 20 से ज्यादा राज्यों में जो है चेतावनी दी गई है। दरअसल आमतौर पर 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फिलहाल बारिश से राहत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10 तारीख तक के लिए अपडेट जारी कर दिया है कि 10 तारीख तक कौन कौन से राज्यों में बारिश होने वाली है, कौन से राज्यों में बारिश नहीं होने वाली है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी जो है मौसम विभाग की ओर से शेयर कर दी गई है। दरअसल बात यह है कि आज उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, कच्छ और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उपमाले, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वह इसके अगले दिन यानी कल जो है उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अलर्ट जारी किया गया है। और 8 तारीख को जो है गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। तो ज्यादातर राज्यों में जो है भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 10 तारीख तक का पूर्वानुमान जारी किया गया। 10 तारीख को केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। इस बार मानसून समय पर आया, अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से जो है मानसून विड्रॉल यानी उसकी विदाई लेट होगी, सितंबर के अंत तक या फिर आगे भी जा सकता है। मानसून जून से शुरू होता है और 17 सितंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार जो ये अक्टूबर में ही यहाँ पर जाएगा। तो ये मतलब कुछ स्थिति जो है वो देखने को देश भर में मिल रही है। अब आपको राज्य भर विस्तार पूर्वक मौसम समाचारों का अपडेट बता लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें रोजाना जो है मौसम समाचार प्राप्त करने के। तो विस्तार पूर्वक आपको राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों को बताते हैं। तो विस्तार पूर्वक राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों में सबसे पहले आज बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एमपी की बारिश की बात करते हैं। एमपी में जो अब तक 10% औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है और आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में जो अभी मानसून की बारिश एमपी में जो है बारिश औसत से 10% अधिक हो चुकी है। शोहरपुर में 81% जो है देखने को मिली है, यानी ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। अभी आगामी 24 घंटों में बारिश का दौर जारी रहेगा। भाई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम मेहरबान है, फिलहाल बारिश का दौर खत्म नहीं होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी है। दरअसल राजधानी दिल्ली में जो है कल भी हल्की मध्यम तेज बारिश हुई और अभी भी जो है बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है और कल भी जो है कुछ इलाकों में बारिश हुई। अभी मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि आज भी जो है सामान्य बादल छाए रहेंगे, गर्जन वाले बादल बनने, हल्की तेवर बारिश की यहाँ पर जो है स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये दिल्ली के मौसम को लेकर फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर लें वीडियो को और कमेंट बताएं कि दिल्ली में कौन से इलाके से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो है नो अलर्ट जारी हुआ। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ झारखंड में मौसम पर असर देखने को मिलेगा और 20 जिलों में चेतावनी दी गई है। तो 20 जिलों में जो है चेतावनी दी गई है, 9 बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये कुछ स्थिति जो है फिलहाल इस झारखंड राज्य की देखने को मिल रही है और आगामी 24 घंटों में इस राज्य के अंदर बारिश का दौर जारी रहेगा। ज्यादातर इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अब राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पर वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें। एक बार फिर से आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लाइक कर दें। फिलहाल राजस्थान में 9 तारीख तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी हो चुका है। दरअसल राजस्थान में मानसून की अच्छी वर्षा हुई, अब लगभग 50% ज्यादा अब तक बारिश हो चुकी है। सामान्य वर्षा से 58% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले 4-5 दिन तक राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं कहीं भारी बारिश के लिए जारी रहने की बात कही गई है। दरअसल राजस्थान के ज्यादातर जिलों में हुई मतलब वर्षा के कारण जो है एक भी जिले में बारिश की कमी नहीं रही है। अब तक 26 जिलों में असामान्य, 15 जिलों में सामान्य से अधिक और 9 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। प्रदेश में मतलब राजस्थान के अंदर जो है अब तक जो है प्रदेश के अंदर जो है अभी जो है आगामी 24 घंटों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वही कोटा, राजसमंद में बारिश को लेकर चेतावनी, राजसमंद उदयपुर तक जो है चेतावनी जारी की गई है। तो
ये राजस्थान के मौसम को लेकर फिलहाल जानकारी सामने आ रही की ज्यादा इलाकों में बारिश वगैरह होती रहेगी और बारिश का पूर्वानुमान जो है व्यक्त किया गया है। फिलहाल अभी बढ़ते हैं आगे देश के कौन से राज्य का मौसम निकल के आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ के मौसम की बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 जिलों में जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सर एक बार फिर से मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में बदल सकता है। राजधानी रायपुर में और बस्तर संभाग के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में भारी बारिश की चेतावनी दी। आने वाले दिनों में इन इलाकों में बरसात का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में बस्तर के कोंटा और माकाड़ी देर नापाल इलाके में 10 mm के आसपास बारिश हुई है। तो ये कुछ बारिश वगैरह हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर महसूस हो रही है। तो ये देश भर के मौसम समाचार जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें रोजाना इस तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।